7 तारीख तक हमारी साइट खुली हुई है, उसमें आप उसका नाम एंटर करवा सकते हैं। उसके बाद हमारी स्कीम जो स्वच्छ भारत मिशन, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान एप्लीकेशन फ्री जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे बचते हैं जिनको जिनके पास टॉयलेट नहीं है, उनकी भी इस टॉयलेट बनाए, क्योंकि टॉयलेट हमारे घर की इज्जत है। अगर जिस घर में टॉयलेट नहीं है तो शायद इस आज के दौर के कहते हैं, बचपन में हम पढ़ते थे सफाई को रखो हमेशा अर्जी के गंदे को कहते हैं सब बदतमीज। मैं ये कहूंगा कि जिसके घर में जो अपने घर में 50 मतलब 2 लाख 3 लाख का घर बना सकता है, तो ये कहा जाए कि नहीं पापा माँ बाप भाई जो भी है आपके जो आपके मानने वाले हैं उनको प्रोटेस्ट करो, आप हम घर में खाना नहीं खाएंगे, आप हमारे अगर हमारी इज्जत नहीं करते हो हमें खुले में सोच करने की। ऐसी मिसालें और भी हमारे यहाँ पे आपने मीडिया में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा कि एक बेटी थी छोटी, उसने घर में प्रोटेस्ट किया कि मैं घर आके दिया, आज वो हमारी इस स्वच्छ भारत मिशन की एम्बेसडर है। हमारे दूसरे जज हैं शफी आलम से मैं गुजारिश करूंगा, हमारे लगभग 200 नौजवान बच्चे और बच्चियां पूरे डिस्ट्रिक्ट से आए थे, जो इनके डिफरेंट क्लब्स हैं उस क्लब के बच्चे आए थे, और फोक इनका यहाँ का कल्चर यहाँ का जो तमद्दन है वो सब बच्चों ने अपनी कोशिश की। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जहाँ पेश किया डिफरेंट कल्चरल आइटम्स को पेश किया बच्चों ने, और साथ साथ में हमारे पास कुछ रिसोर्स पर्सन भी थे जिन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पे पंचायती राज क्या चीज़ है, डिफरेंट बैंक्स की क्या स्कीम्स हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स की क्या स्कीम हैं, और जो बाकी तमाम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ थे आज के, जैसे डीसी साहब ने बोले आज के इस दौर में हम लोगों को नौजवान की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, तो बहुत ही कामयाब प्रोग्राम यार रहा है डिग्री कॉलेज पुंछ में।